Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSS Be Online Tutorial. मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर. आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली. तो कहां पे वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली, तो इसका जो आंसर है दैट इज दुबई. कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है. अब बेसिकली ये जो मतलब फोरम जो लॉन्च हुई है दुबई में, ये ऑर्गेनाइज करी गई ताकि ग्लोबल लीडर्स जो हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए, सो दैट कि वो सारे के सारे मिलके, वो सारे एक्सपर्ट मिलके एक सुझाव जो है, एक प्रॉपर तकनीक जो है वो इजाद कर सके सीरियस इन्वायरमेंट चैलेंज को ख़त्म करने के लिए. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल. तो इसका जो आंसर है दैट इज दिव्यांशी. ठीक है, दिव्यांशी ने बेसिकली गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में. किसमें? शूटिंग में. ठीक है, और कौन से इवेंट में? 25 मीटर पिस्टल इवेंट में. ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कि इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी अनवील 4 बायोगैस यूनिट. तो मतलब कौन सी स्टेट में मोदी साहब ने स्पष्ट करा है, शोकेस करा है 4 बायोगैस यूनिट्स को, जिसका जो आंसर है दैट इज असम. कहाँ पे? असम में. ठीक है, तो असम में बेसिकली अब कंस्ट्रक्शन की जाएगी 4 कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स की, और ये बेसिकली एक प्रोग्राम है इंडिया का स्वच्छता ही सेवा, तो ये बेसिकली उसका पार्ट रहेगा. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च करा है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विद विच स्टेट. तो मतलब कौन सी स्टेट के साथ मिलकर नीति आयोग ने लॉन्च करा है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना. ठीक है, तेलंगाना के साथ मिलकर कलेबरेशन करके नीति आयोग ने एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने, दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइम एक जो चैप्टर है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का, ये स्टार्ट करा है. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन. तो धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन जो है मोदी साहब ने कौन सी स्टेट में लॉन्च करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया. तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड. कहाँ पे? झारखंड में. और ये कौन से ओकेजन पे, कौन से डे पे करा, ये बेसिकली लॉन्च करी है ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थडे एनिवर्सरी. ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर को वाई और इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ होस्ट प्लांट स्पीशीज इज एंडेंजरिंग विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट इन असम फॉरेस्ट. तो कहने का मतलब ये कि एक होस्ट प्लांट स्पीशीज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने से कौन से मतलब कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो मतलब विलुप्त होने पे, मतलब खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं असम के फॉरेस्ट में. तो इसका जो आंसर है दैट इज स्वॉलो टेल बटरफ्लाई. ठीक है, ये जो स्वॉलो टेल बटरफ्लाई है, तो ये बेसिकली जिस भी आई थिंक स्वॉलो प्लांट पे, सॉरी हॉर्स प्लांट स्पीशीज में यहाँ पे ये बैठती है, तो उसके वो उसकी ज़्यादा कटाई होने की वजह से ये इसकी भी प्रजाति खत्म होने पे आ रही है. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्ड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है, और रिपोर्ट का नाम तो ऑलरेडी बता दिया, फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्ड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. तो ये जो आंसर है दैट इज नीति आयोग. नीति आयोग के एक एक्सपर्ट ग्रुप में एक रिपोर्ट जो है वो जाहिर करी है. ठीक है, ये बेसिकली रिपोर्ट जो है ये एक ब्लूप्रिंट है जो रैपिड रिस्पांस के लिए बनाई गई है अगर फ्यूचर में कोई भी हेल्थ इमरजेंसी होती है पब्लिकली. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस हैव रिसेंटली डेवलप अ मेथड टू ट्रीट रेटिनल टीयर्स एंड डायबिटीज रेटिनोपैथी. ठीक है, तो कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने भाई डेवलप करा है एक मेथड जिसके थ्रू रेटिनल टीयर्स एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसको ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसका इलाज जो है वो किया जाएगा. तो इसका जो आंसर है दैट इज IIT मद्रास. सो IIT मद्रास में ही ये रिसर्च जो है वो कंप्लीट किया गया है, जिसमें न्यू मेथड के थ्रू रेटिनल टीयर्स एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी को मतलब उसका जो इलाज है वो किया जाएगा. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए लेक प्रेस्पा न्यूज में देखने को मिली. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी कंटिनेंट में ये लोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूरोप. कहां पे है ये? यूरोप में. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए SBI कार्ड ने किसके साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है, मतलब कौन सी एयरलाइन के साथ को ब्रांडेड
क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्लियर है। बाकी आप सबको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप जनवरी से लेकर लास्ट सितंबर मंथ का करंट अफेयर ईबुक चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। आपको सिंपल लिखना है करंट अफेयर पीडीएफ, जैसे आप लिखेंगे आपको डिटेल जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।